बाड़मेर कुशल वाटिका के पास तेज स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वही मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूचना के बाद सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को जब्त किया और चालक को पकड़ा। पुलिस स्कॉर्पियो के कागजात और हादसे की पड़ताल कर रही है। दोनों व्यापारी आपस में चचेरे भाई हैं। बाड़मेर से अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पर स्थित कुशल वाटिका के पास तेज स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सदर पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस स्कॉर्पियो के कागजात और हादसे की पड़ताल कर रही है। दोनों व्यापारी आपस में चचेरे भाई हैं। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे पर स्थित कुशल वाटिका में जैन समाज का सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। बाड़मेर शहर के मुजी की गली निवासी गौतम चंद पुत्र धर्मचंद उम्र 40 वर्ष और महावीर जैन पुत्र संपतराज उम्र 33 वर्ष शहर से कुशल वाटिका के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोनों हाईवे क्रॉस करने के लिए रुके। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रोंग साइड में आकर बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार व्यापारी उछलकर कांच पर गिरा और उससे टकराकर दूर जा गिरा। बाइक पर पीछे बैठा व्यापारी करीब 40-50 फीट उछलकर दूर जा गिरा। वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए और स्कॉर्पियो आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद दूसरे वाहन की सहायता से दोनों व्यापारियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां गौतम को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल महावीर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वाटिका के सर था अंदर, हमारे को पता चला कि बाहर एक्सीडेंट हुआ है, तो हम बाहर आए हाथों हाथ बोर्ड के पास से जो आदमी क्रॉसिंग कर रहा था, जब स्कॉर्पियो सामने से 120-130 की स्पीड से आ रही थी, आते ही सीधा सर बोर्ड के पास से उड़ाया, कम से कम 4-5 फीट दूर आके आदमी को गिराया। आदमी गिरा थे ऑन स्पॉट पे, आदमी ख़त्म हो चुका था, आदमी को यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। जा रही थी गौतम जी जैन सैनिटरी वाली, तो उनके साथ में एक महावीर जी जैन करके और थी। गौतम जी जैन किसी इस बिना नंबरी गाड़ी जिसकी कोई स्पीड बता रहे हैं कि कोई सीमा में नहीं थी, उसने इनको उड़ा दिया, उससे गौतम जी की डेथ हो गई है। पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त किया। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पकड़ लिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे की सूचना मिलने पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दीपक माली, पार्षद दमाराम माली सहित जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स से घायलों के बारे में जानकारी जुटाई गई और बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए।